हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर ट्रायल बैलेंस, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक उसके फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कर चुके, आज थर्ड क्वेश्चन से स्टार्टिंग है। बहुत ईजी टॉपिक है, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में भी, इंट्रोडक्शन भी बता दिया था क्या है ट्रायल बैलेंस। जो ट्रायल बैलेंस बेसिकली होता है, जो हमने लेजर बनाए हैं अंदर बैलेंसेज आए हैं उसकी एक समरी बना लेते हैं लेजर की, इट इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। वो ट्रायल बैलेंस में पुट कर देंगे जिन जिन लेजर के बैलेंसेज निकले हुए, जिनका बैलेंस नहीं निकला होगा वो ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा। यानी कि ट्रायल बैलेंस बेसिकली क्या है, एक शॉर्ट फॉर्म में समझे, इट इज ए समरी ऑफ द बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट के जो बैलेंसेज निकलते हैं उसकी एक समरी है शॉर्ट में। अब इसमें टोटल 5 कॉलम ओपन करते हैं। पहला नंबर है सीरियल नंबर, नंबर 2 पे नेम ऑफ अकाउंट्स या हेड्स ऑफ अकाउंट्स, कुछ भी लिख सकते हैं दोनों में से एक वर्ड। उसके बाद LF, जिसमें कुछ नहीं लिखना। नेक्स्ट डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। अब जरा शुरुआत करते हैं। देखो इसमें लिखेंगे क्या, मैं आपको वो समझा देता हूं। जो डेबिट बैलेंस है बेसिकली इसमें या तो असेट्स आएगी और या इसके अंदर एक्सपेंसेस आएंगे, ध्यान रखना आप, ठीक है, क्लियर है। लाइव क्रेडिट साइड में क्या आएगा, या तो इनकम होगी जिसको रिवेन्यू बोलते हैं, या लाइबिलिटी होगी, लाइबिलिटी लिख लो, ये लिखना नहीं है समझने के लिए, और या कैपिटल। यानी कि डेबिट साइड में क्या चीज आएगी, असेट्स और आपके एक्सपेंसेज, और क्रेडिट साइड बैलेंस में क्या लिखते हैं हम, कैपिटल, रिवेन्यू और साथ में लाइबिलिटी। अब जरा स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन की। सबसे पहले मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, आप देखो लिखा है प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग आइटम्स। कोई डेट मेंशन नहीं है, तो देखो हमने डेट नहीं लिखी, ऐसे डॉट करके छोड़ देंगे। ये आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये चीज लिखनी नहीं है आपको समझने के लिए। जैसे जैसे आप थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको फिर लर्न हो जाएगी। डेबिट बैलेंस कौन से होते हैं, हमेशा असेट्स और एक्सपेंसेस के। क्रेडिट बैलेंस कौन से होंगे, कैपिटल के, लाइबिलिटी के और इनकम के या रिवेन्यू का, क्लियर है। अब जो पहले पॉइंट आ रहे हैं उनको देखते हैं कि हम डेबिट में लिखें या क्रेडिट में, ये हमें खुद क्लासीफाई करना है। देखो जो भी अकाउंट आपको बैलेंस दे रखा होगा लेजर का, वो पांच ही कैटेगरी में आएगा, या तो वो असेट्स होगा, या एक्सपेंस होगा, या कैपिटल, लाइबिलिटी या रेवेन्यू। अब पहले नंबर पे देखो जो आ रहा है, इट इज कैपिटल, और कैपिटल का कौन सा बैलेंस लिखते हैं, क्रेडिट। तो पहले नंबर पे कैपिटल लिखते हैं, ये रहा कैपिटल लिखते हैं, जितनी कैपिटल आपको दे रखी है, कैपिटल 240,000। आपको अभी बताया ये क्रेडिट बैलेंस है, ऊपर लिख भी दिया आपको समझाने के लिए। ये रहा डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, असेट्स और एक्सपेंसेस, और क्रेडिट साइड में इनकम, लाइबिलिटी और कैपिटल। ये लिखने नहीं है, बस आपने समझने के लिए। अब नेक्स्ट आ रहा है, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 85, उसके बाद फर्नीचर 26, दोनों असेट्स हैं, ये लिख दो ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर लिख दो, फर्नीचर अकाउंट, दोनों की वैल्यू लिखते हैं कितनी है, 85 और 26,000। एक की तो 85,000 आ रही है, दूसरे की 26,000। अब जरा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो आ रहा है आपके सामने, परचेजेज आ रहे हैं, परचेजेज आपका एक्सपेंस है, लिख दो परचेजेज, परचेजेज अकाउंट, जितनी वैल्यू है, कौन सी साइड आएगी एक्सपेंस, ये वाली साइड में आएगा, तो एक्सपेंस लिख देते हैं जितना दे रखा है 89,500। हर चीज को सोच के लिखना है कि इधर लिखना है या उधर लिखना है, एक एक स्टेप को। नेक्स्ट आपके पास कैश आ रहा है, कैश क्या चीज है हमारी, असेट्स। ना भी समझ आए अकाउंटिंग इक्वेशन पे चले जाओ, अकाउंटिंग में आपने ओपन करे थे, याद करो जितनी भी असेट साइड लिखी थी वो इधर आ जाएंगे, और जो कैपिटल में प्लस माइनस करते थे आप एक्सपेंस इनकम को, एक्सपेंस इधर और इनकम इधर, कोई लाइबिलिटी है तो इधर आ गई, कैपिटल है तो इधर आ गई। अब कैश के बाद परचेजेज हो गया, परचेजेज के बाद नेक्स्ट आ रहा है कैश, 73,000 कैश लिख दो, डेबिट साइड कैश हमारी असेट्स है 73,000, ये लो। उसके बाद सिक्स्थ पे आ रहा है, सिक्स्थ के अंदर नेक्स्ट आ रहा है कैरिज और सेल्स। पहले तो कैरिज की बात करते हैं, कैरिज ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस हो गया हमारा कैरिज 3,000, डेबिट साइड, क्यों लिखा डेबिट, मैंने आपको बताया ये रहा, डेबिट में किसको लिखते हैं, असेट्स या एक्सपेंस, यहां जो जो असेट्स और एक्सपेंस लिखे होंगे वो इधर आ जाएंगे, कोई यदि इनमें से इनकम बनती है, लाइबिलिटी या कैपिटल, तो क्रेडिट आ जाएगी। अब सेवंथ आ रहा है जैसे कि सेल्स, देखो सेल्स अकाउंट, सेल्स कितना दे रखा है आपको, 2,25,000, तो 2,25,000 क्रेडिट साइड आएगा, ये रहा ये 225। अब नेक्स्ट चलते हैं, उसके बाद आ रहा है बिल्डिंग 1,20,000, बिल्डिंग अकाउंट,
120,000। चलो जी, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं बिल्डिंग के बाद। बिल्डिंग के बाद अगला आ रहा है रिटर्न इनवर्ड। अब ये क्या है जरा देखते हैं, रिटर्न इनवर्ड बता भी रखा है आपको शायद। रिटर्न इनवर्ड को क्या बोलते हैं आपको ध्यान हो, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न ये रहा, और ये किधर आएगा क्योंकि सेल्स इधर लिखी थी आपने, तो सेल्स रिटर्न किधर आएगा, डेबिट साइड। कितना अमाउंट है आपका, 19, ये लो 19 लिख दिया हमने। अब नेक्स्ट चलते हैं टेंथ। टेंथ के अंदर दे रखा है रिटर्न आउटवर्ड, इट इज परचेज रिटर्न। रिटर्न आउटवर्ड हर चीज को सोच के लिखेंगे क्या है, यहां लिख लो परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न ये वैसे अकाउंट दोनों पर लगा लो आप। कितना अमाउंट है, 3500। अब आगे चलते हैं ट्रेड एक्सपेंस और डिस्काउंट रिसीव्ड। एक तो आ रहा है ट्रेड एक्सपेंस, ट्रेड एक्सपेंस ये तो आपको क्लियर ही दिख रहा है एक्सपेंसेज है, और डिस्काउंट रिसीव्ड इट इज इनकम। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, इन दोनों की वैल्यू लिख देते हैं कितनी कितनी आ रही है। एक तो 10,000, एक 9700। ये तो 10,000 दिया हुआ है और ये 9700 है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो जी अब आगे आते हैं, दो और बच गए हमारे, वो बच गए आपके, एक तो सैलरी है 30 और एक ऑफिस, एक ऑफिस रेंट। सैलरी और ऑफिस रेंट पहले ये लिख लेते हैं हम। आप दोनों की नेचर चेक कर लेते हैं, ये दोनों ही एक्सपेंस है आपको पता, और एक्सपेंसेज किधर लिखे जाएंगे, डेबिट साइड के अंदर। अभी बताया आपको डेबिट में क्या आएगा, असेट्स और एक्सपेंसेज, दोनों की वैल्यू पुट करते हैं 30 और 22,700। 30,000 22,700। अब ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। अब दोनों के टोटल चेक करते हैं, यदि वो मैच करते हैं तो इसका मतलब हमने जो लेजर बनाए थे वो करेक्ट है। चलो जी अब इनका टोटल करते हैं, इधर का टोटल करते हैं तो 478,200 आ रहे हैं, उधर का भी 478,200 आ रहे हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ, यानी कि दोनों साइडें हमारी मैच कर गई हैं। और इसके आगे आप लिख दो टोटल, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ये टोटल हमने निकाल दिया, दोनों साइडें हमारी टैली कर गई। अब ये चेक करो कि बनता कैसे है, दोबारा रिपीट करते हैं। डेबिट में क्या लिखते हैं हम, एक्सपेंसेज और असेट्स को, और क्रेडिट पे क्या लिखते हैं, इनकम को, लाइबिलिटी को और कैपिटल को। ऐसे याद रख लो, नेचर आपको फाइंड आउट जरूर करनी है जब ट्रायल बैलेंस बनाओगे, कि जो अकाउंट आ रहा है वो पांच ही कैटेगरी में डिवाइड होगा, या तो वो असेट्स कहलाएगा, और वरना इनको समझने के लिए हो रहा है कि अकाउंटिंग इक्वेशन पे चले जाओ। आपको असेट्स तो पता ही है कौन कौन सी खोली थी, वो असेट्स में आ जाएंगी। अच्छा फिर हम कैपिटल में कुछ चीज़ों को प्लस करते थे, कुछ माइनस, एक्सपेंस को माइनस करते थे, इनकम को प्लस, तो एक्सपेंस इधर आ जाएंगे, इनकम इधर। लाइबिलिटी नॉर्मली क्या होता है, क्रेडिटर हो गया आपका, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, बैंक लोन हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, तो जनरली इधर आ जाएगा। तो अब ये क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट हो गया थर्ड। अब एक क्वेश्चन और करते हैं फोर्थ, उसको और देखते हैं क्योंकि वो अच्छा क्वेश्चन है, उसमें हमें कैपिटल फाइंड आउट करनी है, कैपिटल गिवन ही नहीं है क्वेश्चन में। देखो चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी आ गई, मैं फोर्थ क्वेश्चन को रीड करता हूं। लिखा है प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस ऑफ राजेश, राजेश की बुक में ट्रायल बैलेंस बनाना है एज ऑन 31st March 2022। ही हैज ओमिटेड टू ओपन ए कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट हमें खुद फाइंड आउट करना होगा। कैसे करेंगे अब जरा देखते हैं, क्वेश्चन में डिटेल्स दे रखी है, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, उसके बाद सेल्स दे रखा है, ये आइटम्स दे रखी हैं, इनको अब हमने पुट करना है। देखो मैंने साइड में वैसे लिख दिया, डेबिट में क्या चीज लिखेंगे, असेट्स एंड एक्सपेंसेज, और क्रेडिट में क्या चीज लिखेंगे, इनकम, लायबिलिटी और कैपिटल, यानी कि जो क्रेडिट बैलेंस है इसमें ये है। हमें नेचर पहचाननी है, सबसे पहले आ रहा है बैंक ओवरड्राफ्ट, तो बैंक ओवरड्राफ्ट लिखते हैं, लिख दो बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट। चलो कितनी वैल्यू दे रखी है वो देखते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट की, बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है 85,000, ये लिख दो बैंक ओवरड्राफ्ट। चलो जी अब सेकंड नंबर आ रहा है सेल्स, तो सेल्स को देखते हैं, यहाँ सेल्स लिखते हैं, लिखो जी सेल्स अकाउंट, जितना अमाउंट दे रखा है वो अमाउंट हमें ये पता करना है इधर लिखे हैं या इधर लिखे हैं, सोचना है। देखो सेल्स आपको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, ये इनकम है, ये आपको बताया क्रेडिट साइड लिखते हैं 8,10,000। चलो जी नेक्स्ट चलते हैं अब थर्ड पे, नेक्स्ट आ रहा है परचेज रिटर्न, लिख दो परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न अकाउंट।
अमाउंट आपको दे रखा है 22,500 क्रेडिट साइड 22,500 क्यों, क्योंकि एक्सपेंस था लेकिन वो रिड्यूस हो गया तो रिवर्स कर दिया हमने, क्रेडिट साइड लिख दिया। आगे फोर्थ डेटर अकाउंट, डेटर हमारी असेट से आपको याद हो हम अकाउंटिंग इक्वेशन में भी ओपन करते हैं, डेबिट साइड आएगा। डेटर का अमाउंट दे रखा है 4,500 4,500। अब आगे चलते हैं, डेटर के बाद अगला आ रहा है वेजेज 96,000। इट इज एक्सपेंसिव तो डेबिट साइड आ जाएगा। भाई हमें सोच के लिखना है कि डेबिट में लिखें या क्रेडिट में, जो अकाउंट दे रखा होगा वो पांच ही कैटेगरी में डिवाइड होगा, या तो एक्सपेंस होगा या असेट्स, वो दोनों डेबिट में, वो हमने साइड में भी लिख दिए, लिखने नहीं आपने। और क्रेडिट में क्या आएगा, तीन, या तो वो इनकम होगी या कैपिटल या लाइबिलिटी। अब नेक्स्ट करते हैं, देखो सिक्स्थ पे आपको कैपिटल, नेक्स्ट पे आपको कैपिटल दे रखा है उसको सबसे एंड में लिखेंगे, क्यों क्वेश्चन मार्क है तो वही चीज हमें फाइंड आउट करनी है इसमें। आगे चलते हैं, परचेजेज दे रखा है परचेजेज लिख दो, परचेजेज एक्सपेंस है तो डेबिट में दिखा देंगे। परचेजेज अकाउंट 4,45,000। आगे चलो जी, उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है परचेजेज के बाद कैश इन एंड, ये असेट्स है हमारी, कैश इन एंड असेट्स निकाल लिख दो इसे, कितना अमाउंट दे रखा है कैश इन एंड 8,500 दिखा दो। हर चीज सोच के करेंगे। उसके बाद आ रहा है क्रेडिटर, तो क्रेडिटर लाइबिलिटी आपको याद हो तो लाइबिलिटी साइड में दिखा दो क्रेडिटर को। ये रहा, हर चीज जैसे जो चीज आएगी वो फोकस करना है, वो हमारी क्या है, वो क्रेडिटर इज लाइबिलिटी। अकाउंटिंग इक्वेशन में भी हम करते थे लाइबिलिटी में, अमाउंट दे रखा है 2,15,000 लिख दो 2,15,000। उसके बाद आगे सेल्स रिटर्न दे रखा है, सेल्स रिटर्न लिख दो, सेल्स रिटर्न अकाउंट 15,750। सेल्स इधर लिखते थे, रिटर्न इधर लिख देंगे 15,750, क्योंकि इसका बैलेंस रिवर्स हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद इक्विपमेंट दे रखा है और ओपनिंग स्टॉक दो दे रखे हैं, इक्विपमेंट और ओपनिंग स्टॉक, इक्विपमेंट लिख दो, इक्विपमेंट अकाउंट और एक और दे रखा है ओपनिंग स्टॉक। दोनों के दोनों आपको याद हो असेट्स हैं तो कौन से कॉलम में आएंगे ध्यान रखो, दोनों असेट्स हैं ये लिखी असेट्स, असेट्स किधर आएगी डेबिट साइड में, तो दोनों के बैलेंस जो आएंगे किधर आएंगे डेबिट में। एक तो दे रखा है 25,000 लिख दो 25, और एक दे रखा है 3,500 तो वो लिख देते हैं 3,500। यहां तक क्लियर हुआ? अब इसमें एक नया पॉइंट आ गया कि कैपिटल फाइंड आउट करनी है, कैपिटल दे नहीं रखी वो हमें निकालनी है, याद रख लेना यो मिसिंग फिगर है, कैसे निकलेगी वो देखते हैं। पहले यहां का टोटल करते हैं, कैपिटल किधर लिखते हैं आपको याद हो इधर, ये रहा, यहां वैल्यू आएगी। अब ये बड़ी साइड है वैसे ही दिख रही है, देखो 4,48,3,11,00,000 उधर 11 नहीं बन रहा उधर 10,00,000, ये वाली साइड ज्यादा है तो इसका टोटल करते हैं, इसका टोटल करते हो तो 1,291,250 आ रहा है, 1,291,250। अब इस बैलेंस में से इधर का टोटल करके माइनस करेंगे वो कैपिटल निकल जाएगी, आप वो करते हो तो वो आ गया 158,750। फाइंड आउट करना था इस क्वेश्चन में। अब ये निकला कैसे इस चीज को भी समझ लेते हैं, कैसे निकला, पहले इधर का टोटल करते हैं। देखो इधर का टोटल कितना आया आपका 1,291,250, मैं यही लिख देता हूं, लिखना नहीं है आपने 1,291,250 और माइनस करो इसमें से, इधर का टोटल माइनस करते हैं, इधर का टोटल करते हो 1,132,500। ये जब आप माइनस करोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, ये नहीं, ये चीज आपने दिखानी नहीं है, ध्यान रखना है। ये नीचे वर्किंग में दिखा दोगे कि हमने डेबिट साइड का टोटल करा और क्रेडिट साइड का, दोनों का जो आया डिफरेंस इज इक्वल टू कैपिटल, तो ऐसे करके दिखा देंगे। अब आज हमारा ये फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, थर्ड और फोर्थ दो क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था फोर्थ क्योंकि उसमें कैपिटल का बैलेंस भी निकालना था। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर आगे फिर कंटिन्यू करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन से, आप तब तक इनकी प्रैक्टिस करो, कोई भी इनमें डाउट लगता है यू लास्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं, ओके बाय।